विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने आशाओं की रिक्तियों के अनुसार तैनाती करने तथा नगर निगम को प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाएं सड़क खोदने से पहले इसकी सूचना दें तथा जिलाधिकारी से अनुमति के उपरांत ही सड़क की खुदाई की जाएगी। गोवंश संरक्षण की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि चारों जनपदों के जिलाधिकारी गोवंश संरक्षण के लिए फंड बनाएं और लोगों से आह्वान करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहयोग करें। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण समय से मानचित्रों को स्वीकृत करें। मंडलायुक्त ने कहा कि धान खरीद में और तेजी लाई जाए तथा अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराकर धान की खरीद की जाए। कन्या सुमंगला योजना के संबंध में मंडलायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सत्यापन कराकर अपात्रों का नाम हटाया जाए और पात्रों को लाभान्वित कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के वीएन पांडियन, महाराजगंज के डीएम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, देवरिया के अमित किशोर, कुशीनगर के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सहित सीडीओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हमारा मेडिकल में ये तरह सर जो है कि भारत सरकार ने जो आगे ये सर इन लोग जो लाइफस्टॉक और ये मैंने पंजे से रिपोर्ट लिया हुआ है और इसमें काम करने की जरूरत है। नाउ देखिए क्या है, आपने नगर विकास विभाग को चाहे नहीं ये तो मानने ना कल ये दी गई है, ये हम ये सर्वे कर लीजिए डीएम को। इसमें बेसिकली हाँ इसमें देखा ये गया है कि आपके टोटल मेरा कहना ये है कि आपको जिले स्तर पर एक समायोजन करते हुए देखिए कहाँ अधिक है वहाँ से ज्यादा संरक्षण पशु की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। हम ये भी कह सकेंगे